हाय गाइस, दिस इज अफजल जिमनास्ट। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कार्टव्हील। कार्टव्हील एक दिन में कैसे सीखें, तो यही प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपको साइड स्प्लिट करनी है, ठीक है। लेफ्ट लेग को आगे रखना है आपको और 30 सेकेंड होल्ड करना है इसको। होल्ड 30 सेकेंड। स्टार्टिंग में देखिए, आपसे हो सकता है इतना ही हो पाएगा या फिर और भी कम हो पाएगा। हाथ को यहाँ पे नहीं लगाना है, लोग ऐसे गलत करते हैं इसको। हाथ को यहाँ पे लगाना है और 30 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा हो सके उतने करने की कोशिश करनी। इतना कर पाते हो उतना होल्ड करो। और मैं फुल कर सकता हूँ तो मेरी कार्टव्हील भी अच्छी होती है। जितनी अच्छी स्प्लिट होगी उतनी ही अच्छी कार्टव्हील होगी। इस तरीके से होल्ड करें 30 सेकेंड। स्टेप टू, मोस्ट इम्पोर्टेंट, किक आना चाहिए आपको। आपको किसी भी हाइट के ऊपर, आप कोई सीढ़ी के ऊपर स्टेयर्स हैं या फिर कोई भी मैट लगा लिए आपने, कोई भी ऐसी हाइट जिसके ऊपर आपने अपने हाथों को बराबर लगा सकते हो, किक करना है हमें यहाँ से, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होना है। सेकंड स्टेप, लेफ्ट लेग को आगे रखना है, ठीक है। नीचे रखना है और हाथों को लगाना है नीचे, ठीक है। ये किक करना है, 1 2 3 4 5। ये हमें 10 करना है, 10 बार करना है। इसके अंदर जो लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, देखो हेड को वो अंदर कर देते हैं ऐसे, हेड इन नहीं करना है, हेड को बाहर रखना है। दोनों हाथों के बीच में आपको अपनी नज़र को रखना है, ठीक है। दूसरी जो गलती करते हैं इसके अंदर, वो किक है ना जो राइट लेग, इसको ऐसे बैंड कर देते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे इसको सीधा रखना है और सामने देख के किक करना है। दोनों हाथों के बीच में देख के किक करना है, 10 बार किक करना है और 5 बार करना है। 5 मिनट में हो जाएगा। अब है हमारा तीसरा स्टेप, ये इसी से रिलेटेड है। बस ये हमें स्टैंडिंग पोजीशन में से किक करना है। देखिए, हाइट आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे किसी की फॉरवर्ड बैंड कम है, ठीक है, तो उनसे इतनी कम हाइट पे नहीं हो पाएगा, तो थोड़ी हाइट के ऊपर आप कर सकते हो इसको। अब जैसे मैंने हाइट बढ़ा दी है, अब देखो जो हमारा थर्ड स्टेप है प्रॉपर कैसे करना है। 1 2 ओनली राइट लेग को ऊपर लेके जाना है, नीचे देखना है और राइट लेग को स्ट्रेट रखना है। 3 4 जो गलत जो करते हैं लोग, मैं दिखाता हूं गलत कैसे करते हैं। हेड को इन कर देते हैं, लेग बैंड कर देंगे, देखो ऐसे करेंगे और ऐसे कर देंगे ऐसे। ये नहीं करना है आपको, सही वाला करना है, ठीक है, ऐसे। ये आपको जो हमारा जो थर्ड स्टेप, ये जो मैंने अभी बताया स्टैंडिंग पोजीशन में से किक करना है, ये भी 5 बार करना है और 1 बारी में 10 10 करने हैं ये हमें। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, जो कि पूरा कार्टव्हील ही है और उसके अंदर कुछ मैं बेसिक चीज़ बताऊंगा जिसकी वजह से लोग गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? ये है बिग मसल्स का क्रूड वे प्रोटीन। आजकल मैं इसे ही यूज़ कर रहा हूँ। इससे आपकी बॉडी के अंदर रिकवरी फास्ट होगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपको मसल बिल्ड में हेल्प करेगा ये। इसकी एक स्कूप के अंदर आप देखेंगे 24 ग्राम प्रोटीन है, 5.5 BCAA है, 4 ग्राम ग्लूटामिन है और 0% शुगर है इसके अंदर। और आप देखेंगे इसकी कीमत सिर्फ 799 रुपये है। और इसका पता कैसे करें कि यह ओरिजिनल है या फेक है? इसीलिए बिग मसल्स आपको एक कोड प्रोवाइड करता है जिसको आप नेट पे सर्च करके पता लगा सकते हैं कि यह प्रोडक्ट ओरिजिनल है या लोकल है। और वर्कआउट करने के बाद, मेहनत करने के बाद इसे यूज़ करना है, तब आपको ये हेल्प करेगा, तब आपकी डाइट में इसका प्लस पॉइंट होगा, तब आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाके वहाँ से इसके परचेज कर सकते हो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है, फोर्थ स्टेप आ गया अब हमारा।
ठीक है, एक ही दिन में हो जाता है ये? हमारे पास में आते हैं बहुत सारे लोग सीखने के लिए, कार्टविल वगैरह, कार्टविल पहले दिन में हो जाता है लोगों का। ठीक है, लेफ्ट लेग को आगे रखना है और हाथों को लगाना है ऐसे ही। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, सर थोड़ा पास में आएंगे, क्या ध्यान देने वाली बात है, हाथ को अब ऐसे नहीं लगाना है हमें, अब ये हाथ हमें ऐसे लगाना है। अगर ऐसे भी लगाए ना तब भी गिर जाओगे आप, देखो ध्यान दो, इसको पूरा ऐसे घुमा के हाथ लगाना है फुल। ठीक है, फोर्थ स्टेप है ये, यहाँ से जाना है हाथ घुमा के, ऐसे हाथ घुमा के, और यहाँ से बस थोड़ा सा ऐसे ये किक कर देना, बस। बहुत आसान है, कोई चोट का कोई डर नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान है। बट इसी किक को आपको करना है, जो सेकंड स्टेप में जो किक किया था ना वही किक करना है। स्टैंडिंग पोजीशन, हाथ लगाना है और सेकंड स्टेप की किक मारो। ठीक है, ये आपको करना है, पांच बार इसको कर लेना आप, और पांच बार पांच पांच रिपीटेशन मार लेना उसके अंदर। अब आ जाता है हमारा फिफ्थ स्टेप, फुल कार्टविल, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। थर्ड स्टेप में जो किक है आप चाहो तो एक बार फिर कर सकते हो, कहीं आप भूल ना गए हो। थर्ड स्टेप वाला स्टेप करके इस पोजीशन में खड़े होना है और थर्ड स्टेप मारना है और अपने हैंड्स को घुमा देना है। ठीक है, यहां से हैंड्स घुमा देना, किक मार देना है। बहुत बढ़िया, ट्राई करना है। इसमें पहली बारी में थोड़ा सा डर लगेगा और सेफ्टी से करना है, घास पे करो और अगर हो सके तो मैट के ऊपर करो, बट ये इतना कोई रिस्की मूवमेंट नहीं है, ज़्यादा बंदे इसको एक दिन में सीख जाते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन, पैर आगे रखना है, हाथ घुमाओ, किक, बहुत बढ़िया। अब कार्टविल हमारी हो गई है, थोड़ी देर में हो जाएगी ये, सही तरीके से समझ के करोगे तो, और अगर आपका फिटनेस लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा तो। अब इसके अंदर मैं दो चीज़ और बताने वाला हूँ, कार्टविल को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। एक तो साइड स्प्लिट की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, स्प्लिट की मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और हो सकेगा तो आई बटन में भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप स्प्लिट की प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, हैंड स्टैंड की वीडियो भी मैंने बना रखी है, आप जाके हैंड स्टैंड जाके सीख सकते हो, ताकि आपके हैंड्स में थोड़ी सी पावर होएगी ना, ताकि आपके हाथ इतने मजबूत हों कि पूरी बॉडी वेट को एकदम से झेल सकें वो। ठीक है, तो कार्टविल भी बहुत बढ़िया होगी, नहीं तो इधर उधर भागेगी कार्टविल, वेट नहीं आएगा अच्छे से और बेकार कार्टविल होगी, लेकिन काम चलाओ कार्टविल आपकी एक दिन में ही हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जितने भी नए व्यूअर हैं मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।